मुरादाबाद ग्राम वासियों ने लगाई डीएम मुरादाबाद से जांच की गुहार। मुरादाबाद गटोरा थाना मुंडा पांडे के ग्राम वासियों ने कलेक्टर पर इकट्ठा होकर डीएम साहब को ग्राम प्रधान के खिलाफ एक शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में कहा गया कि ग्राम प्रधान व पंचायत सचिवों ने वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2019 तक ग्राम विकास निधि की अधिकांश धनराशि को विकास कार्यों में खर्च न करके फर्जी कार्य पूर्ति दर्शन कर लिया है, जिसकी मौके के अनुसार बिंदु वाली एक रोज जांच होनी जनहित में अति आवश्यक है। वीरपाल सिंह, ये कौन सी जगह है और किससे मिलने आए हैं अपनी शिकायत? कचहरी प्रांगण में आए हैं और जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। किस संबंध में मिलने आए हैं? ग्राम प्रधान की शिकायत करिए। क्या क्या शिकायतें हैं वो जो डीएम साहब से की गई हैं? ऐसी शिकायतें हैं कि गाँव में जो जितने भी रास्ते हैं वो सब खराब पड़े हैं, कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि शौचालय बने हैं पर दूरे पड़े हैं। कुछ तो ऐसे शौचालय हैं जो शौच करने जाते हैं उन्हें गिरने का घर होता है। मनरेगा में 2-3 दिन काम करते दहाड़ी लिख करके दे देते हैं, मस्टोर में चढ़ाकर दे देते हैं, हर चीज़ का समय डालते हैं, पूरा गबन अधिकतर धनराशि का गबन किया गया है। अच्छा, ये कौन से गांव के प्रधान हैं, कौन से ब्लॉक पड़ता है? ग्राम गटोरा ब्लॉक मुंडा पांडे। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? श्रीमती रेखा देवी। लगभग कितने वर्षों से कार्य रुका हुआ है वहाँ पर? 4 साल लगभग हो गए, उसमें 80% केवल काम किया, बाकी 20% काम किया है, 80% गांव की स्थिति कैसी है इस टाइम? गांव खादर का गांव था, बाढ़ का क्षेत्र का गांव है, तो निकलना ही भारी पड़ रहा है। अच्छा, डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा कि जांच कराते हैं, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पाया जाएगा।